हम लोग भानगढ़ के लिए चल रहे हैं। कहते हैं भानगढ़ एशिया के सबसे हॉन्टेड प्लेस है और वहाँ जाके सही में भूत है कि नहीं हम देखेंगे। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ पे, क्या सही में भूत देखेंगे? मतलब लोग इतना डरते हैं भानगढ़ के लिए, आपको क्या लगता है? अभी तरस रहा हूँ देखने के लिए। क्या भूत को देखने के लिए तरस रहे हो? हम सारे भानगढ़ किले की तरफ जा रहे हैं, लोगों के साथ एक गाइड है, आपको डिटेल्स बताते हुए जा रहे हैं क्या क्या है स्टोरी, ध्यान से सुनते रहिए। ये डर के मारे भाग रहे हैं ऐसा लग रहा है। मैडम आपको कैसा लगा क्या? ठीक है, भूत तो देखने को नहीं मिला। सुबह सुबह भूत शायद नहीं मिलेगा। और एक मैडम तो भाग रहा है, लग रहा है बहुत जोर से। मैडम इतने जोर से भागो मत। तो अपन आप थोड़ा सा बताओ कैसा लगा आपको? अमेजिंग एक्सपीरियंस, इतना पुराना हिस्ट्री का साथ हम लोग थोड़ा रूबरू हो रहा है। एक्सपेक्टेशन आई मीन जितना एक्सपेक्टेशन था वो हमें मिल गया। कोशिश करेंगे एक बार आपको भानगढ़ फोर्ट की तरफ जाने के लिए। बट वहाँ से हम लोगों ने दो चार लोकल से बात की कि ये क्या राज है, मतलब क्या है, सही में भूत है? इन्होंने बोला कि यस है, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि लोग कई बार आके वीडियो बनाते हैं तो फीलिंग्स आएगा वो। ऐसे भी थोड़ा सा सन्नाटा लग रहा है ना, थोड़ा सा बहुत ही काम एंड क्वाइट आइसोलेटेड प्लेस। अभी 6:30 बजा है, हम लोग भानगढ़ फोर्ट की तरफ जा रहे हैं। आगे भानगढ़ फोर्ट के आपको नजर में आ रहा होगा, देखते क्या मिलता है। चारों तरफ सुनसान है, कोई देखते सुबह बहुत ज्यादा भीड़ था और देखिए अभी कोई भी नजर नहीं आ रहा इस टाइम। तपन कुछ दिख रहा है यहाँ पे, आप थोड़ा सा तपन आओ आओ आओ। कल हम लोगों ने काफी लोगों से बात की आसपास के गांव के कि उसका का जो स्टोरी वो है क्या। अरे कैमरा वैमरा कोई ऐसा हवा आई ताकि कैमरा उड़ने लगी ऊपर, और जो तो उनको भी जैसे ही हवा में उनको ले जाके 50 फुट जाके किसी दीवार से टकरा दिया। मजाक करने का कोई, अब दोपहर में 3 बजे जिस टाइम भूत का बिल्कुल वीक होता है उस टाइम तुमको भूत लग रहा है? और आप दोनों क्या क्या प्लान कर रहे हो? इतना कोई डर नहीं लग रहा तुम लोगों को भूत का? अरे वीरान है, ये भानगढ़ एक रहस्य रह गया है, इस उम्मीद के साथ आए कि ऐसा कुछ हुआ है और ये थ्रिल फैक्टर हमेशा रहना चाहिए। 6 बजा है, हम लोग फरीदाबाद पहुंचे। भानगढ़ की स्टोरी आप लोगों को बताया क्या राज है उसके पीछे। और आगे मेरे चैनल को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट ट्रिप में आपको और मजेदार स्टोरी बताएंगे। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू। भानगढ़ की स्टोरी क्या है? शायनी भानगढ़ की स्टोरी बहुत खराब है। एक तो स्टोरी आपको मैंने महल के बाहर बताए थे, कोर्ट के बाहर, और दूसरा स्टोरी क्या है, वहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक प्रिंसेस रहती थी जिसका नाम है प्रिंसेस रत्नावती। आपने भानगढ़ किले देखे थे और दो स्टोरी आपने सुने हैं, और कैसे आपको लगा वहाँ पे ना सन्नाटा सा, कैसे डर लगा वहाँ पे? आपको डर लगा था वहाँ पे? क्यों डर नहीं लगा बेटा? क्योंकि मजा आया था, कि बहुत ही सुंदर आर्किटेक्चर था। आपको डर नहीं लगा भानगढ़ किले में जाके?